सम्मानित शिक्षक साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो धनराशि की जानी है शासन स्तर से, उसके लिए DBT ऐप पर फीडिंग की जा रही हैं, जिसमें से गार्जियन के आधार और बच्चों के डिटेल्स वेरीफाई करना है और बच्चों के आधार के साथ साथ अभिभावकों के खाता को भी लिंक करवाना है। और आधार वेरीफाई होने में भी यदि समस्या हो रही है, तो इस प्रकार से यदि डाटा सिंक नहीं हो पा रहा है DBT के माध्यम से, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें साथियों। इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, दूसरी समस्या आपकी ये भी हो सकती है कि प्रेरणा पोर्टल में आपने जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन 2021 और 22 सत्र के किए हैं, कक्षा 1 या कक्षा 6 के, तो उस पर जो बच्चों की संख्या प्रदर्शित हो रही है, लेकिन DBT ऐप में प्रदर्शित संख्या कुछ और बता रही है, यानी दोनों में भिन्नता है, डिफरेंस है, तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आधार वेरीफाई यदि नहीं हो रहा है, उसके संबंधित आपको इस वीडियो पे सभी समस्याओं का निदान आपको इस पर बताया जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को ज़रूर हमें सुझाव के रूप में दें और हम उसका समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। साथियों, देखते हैं क्या है। साथियों, जो पहले आपने प्ले स्टोर से प्रेरणा DBT आपने डाउनलोड कर रखा है, उसे आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात ये आपका वर्जन रहेगा 1.00.12। इसके पश्चात साथियों, इस प्रकार से ये ओपन होकर के आएगा। सबसे ऊपर आपकी डिटेल्स शो करेगी और उसके पश्चात यहाँ पर लोकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो लोकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे ऊपर आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे और वहाँ से इसे लोकेशन GPRS सेट कर लेंगे। इसके बाद कैंसिल करेंगे। ये आपका DBT और वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स आएगा। इसके पश्चात जिस कक्षा को आवंटन से हटाना चाहते हैं, उसका चयन करें। मान लीजिए आपने आवंटित कर दिया है किसी शिक्षक साथी को और उसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरे शिक्षक को देना चाहते हैं उस क्लास को, तो यहाँ पर आप अनसेलेक्ट करना है, आवंटन रद्द करें। जिस कक्षा को आपको आवंटन करना है, 6 को करना है, 7 को करना है या 8 को करना है, तो इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात नेक्स्ट में आएंगे, तो यहाँ पर आपने मान लीजिए तीनों को आपने रद्द कर दिया, या 2 को या 1 को, वो आप पर डिपेंड करता है कि किसको आपको आवंटन को रद्द करना है, जिस शिक्षक को। तो आवंटन रद्द कर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात जिस कक्षा के बच्चों के अभिभावकों का डाटा DBT हेतु भरा एवं प्रमाणित किया जाना है, उस कक्षा का चयन करें। आप एक से अधिक कक्षा का चयन भी कर सकते हैं। एक शिक्षक के लिए आप 2 कक्षाएं, 3 कक्षाएं भी दे सकते हैं, जैसे आपकी कैपेबिलिटी, आपके स्कूल में टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, इस प्रकार से आप उनकी क्षमता अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं कि कितने क्लास का वो यहाँ पे आपका डेटा फीडिंग कर सकते हैं DBT के माध्यम से। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आमंत्रित कक्षा को रद्द करने के लिए आपको उन्होंने पहले बता दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका रद्द हो गया, रद्द वाला सिस्टम हमने नेक्स्ट कर दिया। अब ये डेटा फिर आपका पूछ रहा है, आपके द्वारा भरा गया डेटा सर्वर पर सिंक नहीं है हुआ और डाटा सिंक करने हेतु नीचे क्लिक करें। तो इसका विशेष ध्यान दें साथियों, इसे सिंक करें पर क्लिक कर देंगे जो भी हम अपडेट करेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि उसके पहले आपका ओपन करने में, मुझे नहीं अभी ओपन हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपका
जो नामांकित बच्चों की सूचना मांगता है तो उसको यूडाइस कोड के साथ अपने विद्यालय के जरूर भर दें। इसके बाद ये हमारा आवंटन रद्द करने का काम क्लिक करने के पश्चात यह हमने वापस क्लिक किया और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के पश्चात ये पेज हमारा ओपन होकर के आ गया। आने के बाद कुल नामांकित छात्राएं छात्र छात्राएं हैं 48 और यहाँ पर अभिभावकों माता पिता के डाटा भरे हुए प्रमाणित करें ये 0 और इस प्रकार से यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन साथियों कुल नामांकित छात्र संख्याओं के सामने दे रहा है तो इस एडिट पर जाएंगे। तो एडिट करने के बाद नीचे का ये रहेगा बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र संख्या, जितने बच्चे आपके प्रमाणित किए गए हैं वो डेटा आपको बीओ को सेम प्रमाणित छात्रों का जो है बीओ के आपके बॉक्स में चला जाना चाहिए। यदि आपका कंप्लीट नहीं जा रहा है इसका मतलब डेटा आपका परफेक्ट सिंक नहीं हुआ है। ये PFMS पोर्टल पे तब जाएगा जब खंड शिक्षा अधिकारी इसको जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे और सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट इसको भी रिफ्रेश करते रहें। ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का सिंबल बना हुआ है एल शेप में इसको भी आप क्लिक करते रहें। तो इस प्रकार साथियों ये करने के बाद हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक टाउन स्कूल और ये विद्यालय कोड ओपन हो जाता है। यहाँ पे विद्यालय कोड आप अपना डालेंगे जिस विद्यालय का आप फीड करना चाहते हैं तो कीपैड आपका मोबाइल का ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप फीड कर लेंगे। फीड करने के पश्चात ये मान लीजिए यहाँ पर आपने क्लास 6 में 31, क्लास 7 10, क्लास 8 में 7 जो आपने फीड किया अब इन्हें आवंटित करेंगे। आवंटित बच्चों की सूची यहाँ पर आपको शो करेगी और यहाँ पर आपको टीचर्स को आवंटन देना है। तो आवंटित करने के लिए आपको प्रत्येक टीचर की लॉगिन आईडी पर जा करके जैसे आप अपना स्वयं का यदि आप आवंटित कर रहे हैं तो उस क्लास को सिलेक्ट करिए और अपनी आईडी ओपन करके ही DBT को आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे टीचर को यदि आप जो है देना चाहते हैं तो उनकी आईडी से भी आप कर सकते हैं और इसी प्रकार की आवंटन की व्यवस्था होगी। लेकिन साथियों दे रहा है यहाँ पे दिस डेटा इज सिंक्रोनाइज्ड। ये यदि सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पे नॉट सिंक्रोनाइज्ड रहेगा तो इसको हम एक नंबर पे जब टॉप में लिखा हुआ तो इसको अनसिंक्रोनाइज्ड है क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देते हैं तो वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, पूरा अपडेट हो जाता है सिस्टम। इस प्रकार से बच्चे का डिटेल हो गया और नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। वेरीफाइड हमने वन बाई वन करते चले गए और ये सिंक्रोनाइज्ड डेटा होता गया। सिंक्रोनाइज्ड कहाँ से हुआ, ये जो आपका प्रमाणित छात्रों को सबसे नीचे राइट साइड पे दिया हुआ है सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट इसे हमें बार बार रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ऐसे हम वेरीफाई करते रहें और इसको रिफ्रेश करते रहें तो यहाँ पर हमारी सूची आती जाती है। वेरीफाइड टीचर्स वेरीफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड, गार्जियन आधार वेरीफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का डिटेल यहाँ पर आपको शो करेगा और SR नंबर यानी जो उसका SR पंजिका में नामांकन संख्या है प्रवेशांक है उसके आधार पे भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं और बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं। और ये यहाँ पर दिया है फॉरवर्डेड बाई VEO जो आपके डेटा जो है जिसको आप वेरीफाइड कर चुके होंगे अभिभावकों के या बच्चों के वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास, फिर उसे PFMS पोर्टल पे जाएगा। यदि वह असंतुष्ट रहते हैं अनवेरीफाइड हो जाता है उनके द्वारा सिस्टम तो फिर आपको वापस खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आपकी आईडी पर वो सेंड करेंगे और वापस आप उसको वेरीफाई करके भेजेंगे तब लेगा। जैसे मेल वेरीफाइड यहाँ पे दे रहा है गार्जियन आधार। और देखिए साथियों यहाँ पे आपके द्वारा भरा गया डेटा सर्वर पर सिंक नहीं हुआ है, डाटा सिंक करने है तो नीचे क्लिक करें, रद्द ना करें, इसे सिंक करें पर जरूर क्लिक करें। सिंक करेंगे तभी ये डेटा अपडेट होगा। यू आर यूजिंग ए लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऐप। तो ये साथियों इस प्रकार से हमने DBT ऐप और वेरीफाइड और ड्रॉप आउट बच्चों को पहले भी आपको बता दिया गया है, पूर्व वीडियो हम जो बना चुके हैं और उस वीडियो की लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस प्रकार से हमें ड्रॉप आउट करना है और वेरीफाइड के लिए। साथियों यदि अभी तक भी आपके
वेरीफाइड स्टूडेंट्स जो भी आपके प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग की गई है और आपके डीबीटी पिन नहीं शो हो पा रहे हैं, तो उसके लिए एक आपको हम बताने जा रहे हैं कि डैशबोर्ड जैसे ही ओपन करेंगे आप वापस उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद ये तीन डॉट आपको डैशबोर्ड के जस्ट सामने आपको जैसे पिंक ये येलो कलर से हमने जो राउंड लगा रखा है, तीन डॉट बने हुए हैं, तो इसे हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही हमें प्रोफाइल आएगी हमारी, जो टीचर प्रोफाइल है उस टीचर प्रोफाइल को हमें क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, यानी डिलीट कर देना है। क्लियर करते ही आप वापस जो है लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद आपकी आईडी और पासवर्ड यानी पिन जो आपने जनरेट किया होगा, यदि वापस भी आपको रीजनरेट के लिए भी बोलता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और इसके बाद आप वहां पर पिन जनरेट करें। उसके बाद आप लॉगिन करें और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के पश्चात आपको साथियों जो प्रेरणा पोर्टल में डेटा फीडिंग की गई होगी 24 से 48 घंटे के पहले, वो डेटा आपको डीबीटी ऐप पर शो होने लगेगी। यानी आपके जो वेरिएशंस आ रहे थे किसके, प्रेरणा पोर्टल और डीबीटी के रजिस्ट्रेशन में, वो आपके डिफरेंस हट जाएंगे। यानी दोनों रीडिंग आपकी सेम शो करेगी, लेकिन बार बार हमें सर्वर पर जाकर के उसको सिंक्रोनाइज करते रहें और सिंक करते रहें। यदि नहीं करेंगे तो ये डाटा हमारा हमारे वेरीफाइड से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तक भी नहीं फॉरवर्ड होगा और हमारे प्रमाणित बच्चों की संख्या कुछ और रहेगी। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को जो हमारे डेटा सेंड किए गए हैं उनकी संख्या कुछ और रहेगी, यानी दोनों में भी वेरीफाइड का डिफरेंट रहेगा। तो साथियों दोनों को हम बार बार उसको रिचेक करें और विवरण भरें। अगर वेरिफिकेशन में कहीं त्रुटि आ रही तो उसको हमें